तो दोस्तों वेलकम टू सक्सेस। और आज गाइस मैं आज कहूँ वापस से प्लांट्स के अंदर। गाइस पिछले वाली वीडियो में तुम लोग को याद होगा मेरे को एक बुक मिली थी जो कि सही में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है, और यहाँ पे मेरे को कुछ पैटर्न वगैरह मिले थे और तुम लोग ने भाई बताया ही नहीं है क्या चीज़ का पैटर्न है। तो चलो अब भी जाओ और कॉमेंट्स में और मेरे को बताओ कि ये पैटर्न किस टाइप का। यहाँ पे एल बना हुआ है, यहाँ पे टी बना हुआ है, यहाँ पे एन बना हुआ है, और ये जब मैंने थोड़ा अच्छे से देखा तो ये यू टाइप का लग रहा था, अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। और हम लोग को लास्ट टाइम एक गेट भी मिला था जिसके आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग ये देखो मैं इसके आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा मैं कुछ नहीं खोद पा रहा हूँ। और जब मैंने तुम लोग से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा तो तुम लोग ने बताया कि ये जो है ना, ये चीज़ ये बैरियर ब्लॉक है इसका नाम। हाँ, और ये चीज़ ना सिर्फ क्रिएटिव से मिलती है मैंने देखा, तो मेरे को नहीं पता भाई ये चीज़ कहाँ से आया, ये बैरियर ब्लॉक वगैरह कौन लगाया, क्रिएटिव की चीज़ है बल्कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। अच्छा चलो अपन एक काम करते हैं, शांति से यहाँ से अब बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जगह मैं इस जगह में अभी वापस आऊँगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा और भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है, मेरे को थोड़ा सा इस जगह के बारे में और भी जानना है। हो सकता है हम लोग को कुछ यहाँ पे और भी हिंट मिल जाए। और गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े से रेल वगैरह लगे हुए ना, इसका मतलब ये माइन और भी ज़्यादा आगे तक है। यहाँ पे पत्थरों के कारण हो सकता है ये माइन यहाँ पे बंद हो गई हो, है ना, हो सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। ये रही अपना एग्जिट या एंट्रेंस जो बोलना है तुम लोग बोल सकते हो। यहीं से आया था ना मैं। चलो भाई लेट्स गो, यहाँ से ऊपर अपन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। जो कॉबलस्टोन मैंने माइन किया था उसी कॉबलस्टोन का यूज़ करके मैं जाने वाला ऊपर, और आज माइन वाला काम को मैं डिले कर रहा हूँ। यस, माइन को पहले मैं सोचा था कि यहाँ पे पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्ट वगैरह करूँगा और मैंने कुछ भी नहीं किया। और गाइस तुम लोग ना थोड़े से डे को लेकर कंफ्यूज थे, तुम लोग कैसे कंफ्यूज हो सकते हो यार, जब 2021 अक्टूबर 6 अभी पिछली वाली वीडियो में अक्टूबर 5 चल रहा था, अभी 6, तो तुम लोग को भाई डेट में कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है, फ़ोन में तो दिया रहता है ना डेट। वाह भाई अलग ही यार तुम लोग, मतलब सही में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे को ग्लास वगैरह भी लगाना था यार, मैं सब कुछ करना भूल गया, मैं कुछ भी नहीं किया इतने दिनों में। अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पे फेंस वगैरह को लगाना स्टार्ट करना है, उससे पहले मेरे को एक फेंस गेट बनाना है। मेरे पास इनफ वुड है अभी कि नहीं पता नहीं, है चलो बन जाएगा। एक फेंस गेट बनाओ, नहीं दो फेंस गेट बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़े से और स्टिक्स चाहिए, यहाँ पे दो फेंस गेट बन जाएंगे, यहाँ पे गेट की जगह मैं फेंस गेट को ले लूँगा। अब मेरे को क्या करना है, अबे गेट भाई जाने ही नहीं दे रहा, अलग ही टाइप का है। मेरे को ना इस जगह में बनाना चाहिए कि इस जगह को पहले थोड़ा सा फ्लैट कर लेना चाहिए उसके बाद बनाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपन फ्लैट वगैरह कर लेते हैं। मेरे पास आयरन वगैरह है क्या? आयरन वगैरह तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, दो मिनट, यहाँ पे स्टोन तो रखा हुआ है ना। ओके भाई नाइस, एक काम करते हैं हम लोग अभी के लिए ऐसे टेम्प्रेरी सा बना देते हैं इसी के बाजू में, अपने माइंड के ही बाजू में अपन बना देते हैं। शीप का पहले मैं बनाना चाहता हूँ, शीप या फिर पिग का बनाऊंगा मैं, क्योंकि भाई खाना वाना की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और मैं ट्राई करूँगा खेती वगैरह जल्द से जल्द स्टार्ट करने का, मेरे को वीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आई थिंक दो फेंस गेट लगाना चाहिए, या मैं मानता हूँ मैं वेस्ट कर रहा हूँ फेंस गेट को, पर या मैं यहाँ पे दो लगाना चाहता हूँ। और फिर से रात हो रही है, शिट अपन को जल्दी से जाना होगा यार, रात होना वापस से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं गेट बंद करने का वैसे कोई भी मतलब नहीं है, चलो सो जाते हैं शांति से। सो जा। गाइस मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास फ्लावर्स वगैरह भी है। ओ भाई घोड़े हट जा भाई, अबे खिला नहीं रहा हूँ, ये क्या खाना चाह रहा है क्या भाई, भग जा, मेरे फूल पत्ती खाने आ गया। यहाँ पे मेरे को फ्लावर्स लगाने थे क्योंकि मेरे को अभी याद आया मैंने थोड़े से फ्लावर्स वगैरह, ये ऑकवर्ड लग रहा है, रुक जाओ, सेम लगाएंगे अपन। यहाँ पे दो पहले पर्पल वाले लगा लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ तरफ ना यहाँ पे एक रेड लगाते हैं, फिर वापस से यहाँ पे एक रेड लगाते हैं। देखो क्या ही मस्त लग रहा है। और अपन काम करते हैं ना, अपने माइंड के सामने भी लगा लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो ही लगाऊंगा मैं। यहाँ पे एक रैंडम कहीं पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगाऊंगा मैं और एक लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके देखते हैं कैसा लग रहा है भाई, बहुत सही लग रहा है यार, मतलब सही में फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और भी मेरे को कहीं मिले ना तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगा, अभी तो मेरे को शीप लेकर आना है या तो पिग। और शीप आई थिंक वीट वगैरह से अट्रैक्ट होती है, बट मेरे पास वीट तो है ही नहीं यार, शिट भाई मेरे पास वीट नहीं है, और ना वीट से तो काऊ भी आती है, मैं वीट कहाँ से लाऊँ, ये लोग किसी और चीज़ से नहीं आते हैं क्या? पिग किस से आते हैं? पिग आलू से और कैरेट से आते हैं जितना कि मेरे को पता है, पर मेरे पास ना ही आलू है और ना ही कैरेट है, तो इन लोग को मैं कैसे लाऊं फिर, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई, ओ पिग भैया, ओ इधर इधर। गाइस मैं इतना देर से पिक्स को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ फेंस में, पर जा ही नहीं रहा, तुम लोग देख सकते हो 5 पोर्क चॉप आ चुके हैं मेरे पास और अभी तक मैं एक भी पिग को नहीं डाल पाया। और ये स्केलेटन कहाँ से आ गया भाई, 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 भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नहीं नहीं नहीं, अच्छा डॉग है क्या यहाँ पे एक? ओ भाई नाइस यार, ये मेरे को बचा रहा है क्या? ओ डॉग मार लेगा, लेट्स गो, बहुत ही ज़्यादा सही डॉग है यार ये तो।
हेलो हेलो डॉगू डॉगू हेलो। देखो मैं पालना चाहूंगा, रुक जा मेरे पास हड्डियां थी, मैं इसको पालूंगा। रुक रुक रुक, इधर आ 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 मेरा प्यारा डॉगू 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 डॉगू। यस लेट्स गो। गाइस फाइनली हमारा फर्स्ट पेट आ चुका है, हमारा पहला फ्रेंड हमारे सिपलैंड्स के अंदर। लेट्स गो। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अपने डॉगू को लेकर चलते हैं हमारे नए वाले हाउस में। ओ डॉगू भाई किधर जा रहा है? इधर आ मेरे साथ, तू मेरा पेट है अभी कि नहीं भाई? इधर उधर भागे जा रहा है मेरे को छोड़ के, जल्दी आ। लेट्स गो यार, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ भाई, इतनी ज़्यादा मतलब सिपलैंड्स में इतना बेकार बेकार हमारे साथ चीज़ें हो रही है ना, फाइनली कुछ तो हमारे साथ अच्छा चालू होना हुआ है। गाइस हम लोग जल्दी से अपने डॉगू को लेकर चलते हैं अपने प्यारे से घर की ओर। आजा डॉगू भाई, तेरे लिए भी एक घर बनाऊंगा। भाई वो डूब तो नहीं जाए, डरा दिया इसलिए मेरे को। क्या ये भाई तू डॉगू? इसका नाम ना गाइस डॉगू रखूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम डॉगू नाम से बोला ना, तो इसलिए मैं इसको डॉगू नाम से ही अब बोलने वाला हूँ, ठीक है? इसका नाम होने वाला है डॉगू। गाइस मैं फाइनली अपने डॉगू को लेकर आ चुका हूँ अपने प्यारे से इस घर में, और डॉगू तेरे लिए भी मैं घर बनाने वाला हूँ। और भाई ये बंदा पानी से होकर आया तो पानी ऐसे ऐसे करके झाड़ रहा है, कितना मस्त लग रहा है यार। तेरा नाम आज से मैं डॉगू ही रखने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने तेरे को डॉगू बोला, इसलिए तेरा नाम आज से डॉगू होने वाला है। चल मेरे साथ आजा, आजा मेरे दोस्त, आना। अबे क्या है भाई, आना। ओए अलग ही बह रहा है भाई, रुक जाओ, आएगा अभी, टेलीपोर्ट मारेगा सीधा। क्योंकि मैं जब अभी इसको पानी से ला रहा था ना, तो ये बंदे ने क्या ही टेलीपोर्ट किया, मैं ही डर गया। ये गेट कौन खुला छोड़, अच्छा मैंने ही छोड़ा है, मेरे को लगा भाई कौन गेट खुला छोड़ के चले गया। हेलो डॉगू, अरे कितना पानी झाड़ेगा भाई तू, कितना देर से बंदा भागे जा रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, कहाँ पर है भाई ये बंदा, क्या हो गया तेरे को भाई? डॉगू कहाँ पर है अपना? गाइस बंदा कुछ ज्यादा ही गीला हो गया लगता है। रुक डॉगू, तेरे को कम्बल वम्बल चाहिए क्या? अरे भाई बंदा कुछ ज्यादा ही कापरा है मेरे। गाइस अपने डॉगू इधर से उधर पता नहीं क्यों भागे जा रहा है, लगता है फर्स्ट टाइम मैंने इसको टेम किया और मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही आया है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहा होगा। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये ना थोड़ा थोड़ा सा कांप रहा है, देखो इसका हेड देखो एक बारी, क्योंकि अभी अभी पानी से होकर आया है, क्या बोलते हैं, मैं इसको नदी तरफ से लेकर आया हूँ, उसके कारण ये थोड़ा थोड़ा सा कांप रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से अपना डॉगू के लिए अपना एक घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना सोच रहा हूँ कि वो जो स्टोन डॉट है ना, उसका यूज अब कर ही देते हैं। क्यों बताऊँ भाई, उसको ऐसे रख नहीं सकते, मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा ना गुस्सा आता है चीज़ों को, ऐसा रखता कौन है भाई, यूज़ करना चाहिए ना। तो मैं इसका जो घर है वो जस्ट अपने घर के यहाँ बाजू में ही बनाने वाला हूँ, एकदम मस्त वाला। और मैंने ना लास्ट टाइम स्टोन ब्रिक्स बनाए थे इसी स्टोन डॉट वाले स्टोन से, तो चलो इन्हीं का यूज़ करके हम लोग अपने डॉगू का घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग के लिए दिखने वाला है टाइम लैप्स। गाइज यहाँ पे मैंने अपना फुल क्रिएटिविटी देने का ट्राई किया और इस तरीके का मैंने घर बनाया अपने डॉगू के लिए। डॉगू आजा आजा इसके अंदर आ, आजा 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 डॉगू आजा, आना। ए देख देख, पोर्च ऑफ दूंगा, पोर्च ऑफ दूंगा, हाँ अंदर 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 आ, अंदर आ। अरे उधर नहीं जाना है भाई, इधर आना, इधर इधर इधर, हाँ इधर आ, मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, चल 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 जल्दी चल जल्दी। A few moments later. Guys, मेरे को डॉगू को यहाँ तक पहुँचाने में, सही में बता रहा हूँ तुम लोग को, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा और फाइनली अपना डॉगू यहाँ पे अंदर आ चुका है। चल डॉगू सीट कर ले, ओए सीट कर। अरे अपने आप थोड़ी ना करता है भाई, मैं अभी पागल ही हूँ। इसको सीट करना है मेरे को डॉगू को, अले मेला डॉगू सीट हो जा, अले थोड़ा पास आ, इधर आ इधर आ, थोड़ा पास आ, पास आ पास आ पास आ, इधर आ, रुक जा मैं गेट खोलता हूँ, रुक रुक तेरे लिए गेट खोलता हूँ, सीट हो जा, लेट्स गो। तो चलो यार फाइनली हम लोग ने डॉगू का उसके घर के अंदर भी भेज दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा माइनिंग करने पे जाने वाला हूँ। गाइस जहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था ना माइनिंग करने के लिए, तुम लोग को याद होगा मैं वहीं पे वापस से आ चुका हूँ। और यहाँ पे ऊपर मेरे को दिख रहा है भाई, दो मिनट इसका यूज़ नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, अपने पास डर्ट है ना, डर्ट का यूज़ करके मैं ऊपर बिल्ड करने वाला हूँ। और ऊपर मेरे को कुछ आयरन दिख रहा है, क्योंकि अभी मेरे को आयरन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को आयरन का आर्मर भी तो बनाना है यार। अब ये सिर्फ एक एक्स, वो भी देखो ना तुम लोग, इसकी हेल्थ कितनी हो गई है ये दोनों की, ऑलमोस्ट ये टूटने ही वाले, तो थोड़ी ना मैं ऐसा टूट जाएगा तो लकड़ी वाले ज़िंदगी में जीऊँगा। मेरे को भाई थोड़े से टूल्स वगैरह तो चाहिए। ओके
ओके ऊपर अपन को आयरन नजर आ रहा है, जल्दी से अपन ऊपर चढ़ते हैं और अपना आयरन को निकालते हैं। आजा भाई आयरन, कितने आयरन है भाई, थोड़े ज़्यादा आयरन दे दो प्लीज़ प्लीज़। मैं थोड़ा ज़्यादा टूल्स बना लूँगा तो मज़ा आ जाएगा यार। ओके आई थिंक इतना आयरन इनफ, मतलब इतना इनफ तो नहीं होगा क्योंकि मेरे को आर्मर वगैरह भी बनाना है, पर उसके लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो मैं ना ऑफ वीडियो करूँगा, मतलब ऑफलाइन में करूँगा मैं, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। एक काम करता हूँ, जितना मेरे को आसपास मिलता है मैं उतना माइन कर लेता हूँ, है ना। तो गाइज मैं टोटल मिला के 6 आयरन लेकर आ चुका हूँ क्योंकि भाई मेरे को सिर्फ टूल्स ही बनाने। और वेट भाई, ये तो डॉगों की आवाज लग रही है ना गाइस, डॉग के डैमेज लेने की तो आवाज ऐसी होती है। वेट भाई डॉगू, नो भाई मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, यहाँ तो डॉग भी एकदम ठीक है भाई। हेलो डॉगू, तू ठीक है, तेरे को खाना वाना खाना है, तेरे को इसको खाना क्यों नहीं खाना है भाई। डॉग्स डैमेज लेने के बाद खाना खाते हैं, मेरे को पता है, ये क्या बात हुई भाई। अच्छी बात है तेरे को डैमेज वैमेज नहीं लगा, हो सकता है भाई आसपास में कोई और कुत्ता होगा उसकी आवाज़ हो, अपना डॉगू एकदम सेफ है। तो या चलो एक काम करते हैं, अब जल्दी से ना मैं अपना सारे का सारा आयरन को स्मेल्ट करने में लगा देता हूँ। गाइस मेरे पास अभी उस पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा मस्त वाला एक आइडिया आया है, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से चलता हूँ उस केव के अंदर। मेरे को ना मस्त वाला एक आइडिया मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ। मेरे को थोड़ा सा भाई फूड वगैरह खाना पड़ेगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सीधा हम लोग जाते हैं, लेट्स गो। बस मरूँ ना मैं, अरे भाई मरी गया क्या करूँ। ओके तो मेरे को अब बिल्कुल भी नीचे ऐसे नहीं कूदना है, मेरे को शांति से माइन करते हुए जाना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग माइन करना स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे को ना बहुत ही तगड़ा आइडिया है, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, मैं तुम लोग अभी नीचे जाकर ये बताऊंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे हिसाब से वो जो पैटर्न है वो कोई पैटर्न ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा पता है, ये कोई पैटर्न है ही नहीं। यहाँ पर कुछ तो मेरे को ऐसा चीज़ ढूंढना है कि मैं ये जो इसे माइन नहीं कर पा रहा हूँ ना, इसको ये देखो मैं इसको माइन नहीं कर पा रहा हूँ ना, इसको मैं माइन भी कर सकूँ और फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को, मतलब ये जो डायमंड आयरन है, इन सबको निकाल सकूँ। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है। पर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और भी तो कुछ मेरे को हिंट वगैरह मिला होता, कहीं ऐसा तो नहीं ये गेट के आगे जो जगह है यहाँ पर, यहाँ से आगे मेरे को जाना है, पर ये वाली जगह भी माइंड नहीं होती है भाई। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है एकदम, मेरा ना दिमाग जो है ना ब्लैंक हो चुका है पता है। ओ भैया कौन? अरे भैया आप बहुत बेवकूफ हो पता है। ए कौन बोल रहा है, कौन है भाई जो मेरे को बेवकूफ बोल रहा है, सामने तो आकर दिखा। अरे भैया ये पैटर्न को आप समझ नहीं पा रहे हो, कैसे टाइप के हो आप है, ये सच में पैटर्न है तेरे को लगता है? कौन बोल कौन रहा है भाई? अरे पीछे तो देखो, पीछे 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 किधर, पीछे पीछे देख रहा हूँ पीछे भाई, किधर है तू पीछे है, मेरे को तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे पीछे नहीं, नीचे नीचे नीचे। What? Doggo?